के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज उठानी है जिसमें आपको जाना है, चाहे पीएचडी के लिए जाना हो, चाहे असिस्टेंट के बन के जाना हो, चाहे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जाना हो। आपके जीवन में अगले 2 साल के आपको टारगेट पता होने चाहिए। आपके टारगेट पे सबसे इंपॉर्टेंट है नेट का क्वालिफाई करना, नेट के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना, JRF क्वालिफाई करना, ये आपका सेकेंड टारगेट है। और आपका थर्ड टारगेट है आपका PhD एंट्रेंस, अगर आप इसी फील्ड में रहना चाहते हो तो। जब आपने नेट का सिलेबस पढ़ लिया, आपको पता है कि उससे रिलेटेड और XYZ एग्जाम निकलते हैं, उन सबके फॉर्म्स भरोगे, चाहे सेट हो आपके स्टेट का, चाहे आपके स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकले, चाहे आपके स्टेट के अंदर और कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकले, या और कहीं भी अगर आप स्टेट स्विच करने के लिए रेडी हो। जैसे मेरा तो डन है कि मेरे को जयपुर के बाहर नहीं जाना है, मतलब मैंने ये सोच लिया, अगर जयपुर के बाहर जाना है तो फिर बाहर ही जाना है इंडिया के, मतलब मेरा ऐसा फिक्स है, इसलिए मैं नवी मुंबई भी छोड़ के आई, मेरा फिक्स है। कैसे आपके भी फिक्स होंगे कि नहीं मैम मुझे मेरे स्टेट में रहना है या मुझे इसी स्टेट तक जाना है, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, तो डिसाइड करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज IITs, अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट से हो तो IIT, और इवन नॉन टेक्निकल के लिए भी तो अब तो IIT ओपन है, NIT, फिर उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फिर उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। इस फ्लो में चलेंगे अपन, इन यूनिवर्सिटी पिक करो, हर की एक एक पिक कर लो। और मैं फिर बोलूंगी, मैंने हमेशा से बोला है, जब भी मैं पीएचडी की भी काउंसलिंग लेती हूँ, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, पीएचडी इज अ बिग कोर्स, इज अ वेरी बिग कोर्स, 5 साल, 7 साल, अगर बाहर जा रहे हो इंडिया के तो 8 साल भी लगता है, ठीक है? तो एक चीज समझ के रखना, मतलब रैंडमली जगह मत सिलेक्ट कर लेना कि जयपुर के रहने वाले और मणिपुर सिलेक्ट कर लिया कि मणिपुर में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। मैं आपको एक फ्रैंक एडवाइस देने वाली हूँ, इट्स नॉट फीजिबल। चॉइसेस हमेशा फीजिबल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल के अंदर लगभग 8,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मतलब अगर मैं ऐप की बात करूँ तो अपने पेड़ पर लगभग 8 से 10 हजार बच्चे ने पेड़ लिया है और पढ़ाई की है पिछले 2 साल में। उनमें से मान लो, से फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज में 1% बच्चा ऐसा है जो अभी भी कनेक्टेड है, चाहे कितना ही पुराना हो। मान लो 800 से 1,000 बच्चा है जो मुझसे कनेक्टेड है, उसमें से जितने भी बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, मैं उन सब से उनका एक्सपीरियंस पूछती हूँ। कुछ तो ऐसे बच्चे जो अपने साथ ही काम कर रहे हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं, तो मैं उनका डेली रूटीन देखती हूँ, उनका नेचर फ्लक्चुएशन देखती हूँ, उन बच्चों का फ्रस्ट्रेशन देखती हूँ, उन बच्चों का डिप्रेशन देखती हूँ, उन बच्चों की खुशी भी देखती हूँ, मैं सब चीजें, मेरा मेजरली जो मेरा कॉन्वर्जेशन मेरी टीम से होता है वो मेरे स्टूडेंट से ही होता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी टीम में ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स ही हैं और मैं उन्हीं से कॉन्वर्जेशन मेरा रहता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हो कि मैम आपकी स्ट्रैटेजी इतनी बैंग ऑन क्यों होती है, क्योंकि मैं मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा स्टूडेंट बेसिस पे बनाती हूँ, एज अ स्टूडेंट बनाती हूँ, और मैं हमेशा ज्यादातर स्टूडेंट लोगों के आसपास ही रहती हूँ, क्योंकि आई लाइक इट, मुझे लर्निंग पे काम करना है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव मिलते हैं, तो बहुत फ्लक्चुएशन देखा है मैंने पीएचडी के। ये 5 साल मुश्किल 5 साल है, बहुत मुश्किल 5 साल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए 5 साल में जीवन इधर का उधर हो जाता है। इट्स नॉट एन इजी कोर्स, मैं जेन्युइन बता रही हूँ, इट्स नॉट एन इजी कोर्स। तो अपने आप को एडिशनल बर्डन मत दो कि मतलब कल्चर चेंज हो गया, ऐसे स्टेट में चले गए, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा फीस है, ऐसी जगह पे चले गए, ऐसे मत डिसीजन लेना, रैंडम डिसीजन मत लेना। अपनी जब टॉप 5 यूनिवर्सिटी चुनो तो ऐसी यूनिवर्सिटीज चुनना जो आपको फीजिबल लगे, आपके लिए पैसा भी फीजिबल हो, आप रह सकते हो वहां पर। जैसे मैंने दिल्ली अप्लाई किया और पिलानी अप्लाई किया था, और मुझे पता था मैं दोनों में बहुत आसानी से रह सकती हूँ। पिलानी में तो बहुत प्यार से रह सकते हैं क्योंकि मेरे पापा, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, तो वो पूरा राजस्थान कवर करते हैं, और पिलानी में इज लाइक हमारी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल फैमिली रिलेशन है उनसे, तो मुझे पता था कि मैं बहुत कंफर्टेबल रह सकती हूँ, है ना। और दिल्ली में तो पता ही आपको, दिल्ली और जयपुर में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो दिल्ली वॉज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो मुझे पता था मैं दोनों में, जहाँ पर मैं जा मतलब पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट हुई, मुझे पता था मैं दोनों में से कोई भी जा सकती हूँ, राइट? मैंने ऐसे डिसीजन लिए, आप भी ऐसे कर सकते हो। अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जयपुर में रहती हूँ, मैं सोचू मैं बैंगलोर चली जाती हूँ, बेस्ट प्लेस है सीएस वाले के लिए, तो बेस्ट प्लेस है, बैंगलोर चले जाओ, पुणे चले जाओ, पर मेरे लिए बिल्कुल कल्चर चेंज हो जाएगा। आई हैव टू लिव अलोन, आई हैव टू लिव ऑन माई ओन, आई हैव टू डू ऑल माई थिंग्स ऑन माई ओन, एंड देन स्टडी, एंड देन स्टडी अ कोर्स विच इज डिफिकल्ट, विच इज डिफिकल्ट, गाइड नहीं हेल्प करते हैं, है ना, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आते हैं, ऊपर नीचे होती है चीजें। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी, उस जर्नी में अपने डिसीजंस वाइजली लेना, किसी से पूछ के, सोच समझ के, पेरेंट्स को बिठा के कि भाई मैं ये करना वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, अगले 5 साल आप मुझे ना छेड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी।
प्लस पीएचडी के साथ में आज का समय वो नहीं है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग. अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पीएचडी कर रहे हो, रेगुलर पीएचडी कर रहे हो, मुश्किल है, मुश्किल है. जेन्युइनली गाइड बिठा के रखता है, गाइड खुद आए ना आए, लैब में आपको बैठे रहना पड़ेगा. तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो मुश्किल है, बट अगर आप साथ में कुछ पढ़ाई से रिलेटेड करते हो तो ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, ऐसा लगता रहेगा कि हाँ यार सही है, मतलब है ना, मैं कुछ कर रहा हूँ. क्योंकि पीएचडी में कभी कभी ऐसे फेजेस निकल जाते हैं बच्चों के कि कुछ नहीं हो रहा होता है, वो एक मॉडल पे काम कर रहे हैं, एरर पे एरर आ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और जो गाइड है वो, मतलब मैं बता रही हूँ ना, एकदम एंड में आते हैं गाइड, एकदम एंड में वो सलमान खान वाली एंट्री लेते हैं गाइड, इससे ज्यादा कुछ खास देते नहीं है वो. तो आपका गाइड, यस यस, योर गाइड प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. तो गाइड की रिसर्च इंपॉर्टेंट है, उनके कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है गाइड का नेचर. तो गाइड का नेचर आपको कैसे पता चलेगा, आप तो कभी मिले ही नहीं उनसे, तो मिलो, जाके एक बार मिलो उनसे, कोई मना नहीं करता. आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, उनको मेल लिखो और बोलो सर आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू वंस, उनसे जाके मिल लो ना पहले. किसने बोला कि पीएचडी में एडमिशन के बाद ही आप गाइड से मिल सकते हो, आप किसी भी प्रोफेसर से जाके मिल सकते हो, कभी भी, कोई नहीं रोकता है. बकायदा परमिशन लो, है ना, मैनेजमेंट सेल से परमिशन लो कि मुझे एक बार सर से मिलना है, कोई मना नहीं करता है. और अगर मना कर रहा है तो पहले ही समझ जाओ कि वो गाइड जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो अलाउ ही नहीं कर रहा है, ओपन ही नहीं है डिस्कशन के लिए, राइट? कोशिश करो, मैं बता रही हूँ ना, बिट्स पिलाने के वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर थे वो, असिस्टेंट प्रोफेसर थे एक्चुअली, बहुत यंग थे. मैंने उनको मेल डाला, उन्होंने मुझे मेल पे रिवर्ट बैक किया, बातें करी, फोन किया, फोन पे बात करी मैंने उनसे. उनका मेरा टॉपिक सेम था, साइबर सिक्योरिटी था उनका भी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस. हमने डिस्कशन किए फोन पे. तो ऐसा नहीं है, आप ट्राई, यू हैव टू मेक एफर्ट्स. आप एफर्ट डालोगे तो आपको मिलेगा, ऐसा रिस्पॉन्स आएगा. रिस्पॉन्स हमेशा स्टिमुलाई से आता है, स्टिमुलाई आपको क्रिएट करनी पड़ेगी. तो ये तो हुई पीएचडी से रिलेटेड. क्योंकि नवरात्रि का टाइम है तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि नवरात्रि या पूरा अक्टूबर सीजन हमारा जो है वो थोड़ा सेलिब्रेशन वाला सीजन होता है. तो इसी दिन के लिए आपके लिए भी डिस्काउंट कोड के साथ में आई हूँ आज. जेआरएफ अड्डा पर आप सभी लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हो 20% ऑफ के साथ में. आपके लिए RAM20 राम 20 कोड आप लगा सकते हो. और जेआरएफ अड्डा पे इस वक्त जो भी अवेलेबल आप लोगों के यूजीसी नेट के कोर्सेज हैं उन सभी पर आप लोगों को 20% की छूट मिल जाएगी. तो आपका पेपर वन हो गया, आप लोगों का पेपर वन प्लस पेपर टू हो गया, और आपका पेपर टू हो गया. आप कोई से में भी एनरोल कर सकते हो.